इंडिया में सबसे छोटी एसयूवी कार कौन कौन सी हैं आज हम आपको बताएंगे। और ये लिस्ट हमने गाड़ियों की लेंथ के बेस पर बनाई है जो 10 से लेकर 1 तक जाएगी। इसका मतलब 1 पर आपको सबसे छोटी एसयूवी कार देखने को मिलेगी जो कि लंबाई में सबसे कम होगी। तो जानिए वो कारें जो लंबाई में सबसे कम है एसयूवी में। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। रेनो कंपनी की कैप्चर। कैप्चर एक 5 सीटर एसयूवी कार है। ये कार इंडिया में ज्यादा बिकती नहीं है। इसकी लेंथ की बात करें तो वो है 4,329 mm की। रेनो कैप्चर में आपको ड्यूल एयरबैग, ABS, एलॉय व्हील, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन। गाड़ी की शोरूम कीमत है 9,49,000 रुपये से लेके 12,99,000 रुपये तक की। मारुति कंपनी की एस्क्रोस। एस्क्रोस एक 5 सीटर क्रॉसओवर एसयूवी कार है। ये कार है तो एक बहुत बढ़िया कार, पर इसको काफ़ी लोगों ने इग्नोर कर दिया है इंडिया में। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 4,300 mm की, जो कि रेनो कैप्चर से छोटी है। गाड़ी में आपको ऑल LED हेडलैम्प्स, लेदर अप होल स्टेरी, क्रूज कंट्रोल और 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें आपको 1.3 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,80,000 रुपये से लेकर 11,43,000 रुपये तक की। होंडा कंपनी की WRV। WRV एक 5 सीटर एसयूवी कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,999 mm की, जो कि मारुति एस्क्रोस से छोटी है। WRV में आपको 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो AC, 7-inch एलॉय और LED DRLS। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,08,000 रुपये से लेकर 10,48,000 रुपये तक की। फोर्ड कंपनी की EcoSport। EcoSport भी एक 5 सीटर एसयूवी कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,998 mm की, जो कि WRV से सिर्फ 1 mm छोटी है। WRV में आपको 8 और 9 inch टच स्क्रीन SYN-C3 इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स जैसे लाजवाब फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.5 और 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, यानी पेट्रोल में दो और डीजल में एक। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,81,000 रुपये से लेकर 11,35,000 रुपये तक की। महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस। जी हाँ, बोलेरो पावर प्लस एक 7 सीटर एसयूवी कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,995 mm की, जो कि फोर्ड EcoSport से 3 mm छोटी है लंबाई में, फिर भी 7 सीटर कार है। बोलेरो पावर प्लस में आपको रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, मैनुअल AC, पावर स्टेरिंग मिलता है और इसमें आपको 1.5 और 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,49,000 रुपये से लेकर 9,08,000 रुपये तक की। मारुति विटारा ब्रेजा। ब्रेजा एक 5 सीटर एसयूवी कार है। ये कार है तो एक बहुत बढ़िया कार और एक बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार भी। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,995 mm की, बोलेरो जितनी है। गाड़ी में आपको सुजुकी स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है, और मिरर लिंक फंक्शन। इसमें आपको 1.3 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,62,000 रुपये से लेके 10,64,000 रुपये तक की। हुंडई कंपनी की वेन्यू। वेन्यू एक 5 सीटर एसयूवी कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,995 mm की, जो कि ब्रेजा जितनी है। वेन्यू में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे लाजवाब फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.2 और 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.4 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 6,50,000 रुपये से लेकर 11,10,000 रुपये तक की। महिंद्रा कंपनी की XUV 300। XUV 300 एक 5 सीटर एसयूवी कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई भी ब्रेजर वेन्यू जितनी है 3,995 mm की। XUV 300 में आपको 7 एयरबैग, जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हीटेड
ORVMs जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,10,000 रुपये से लेकर 12,69,000 रुपये तक की। महिंद्रा कंपनी की TUV 300 एक 7 सीटर SUV कार है जिसकी लेंथ भी बराबर है XUV 300 वेन्यू विटारा ब्रेजा और बोलेरो जितनी, यानी कि 3,995 mm की। TUV 300 में आपको 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, माइक्रो हाइब्रिड टैग, इको ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,54,000 रुपये से लेके 10,55,000 रुपये तक की। पहले नंबर पर आइए टाटा कंपनी की निक्सोन। निक्सोन एक 5 सीटर SUV कार है। इसकी लेंथ यानी लंबाई है 3,994 mm की, जो कि 1 mm छोटी है TUV 300 और XUV 300 से। ये गाड़ी सबसे छोटी SUV कार है इंडिया में लंबाई के मामले में। निक्सोन में आपको 6.5-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED DRLS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 6,58,000 रुपये से लेकर 11,10,000 रुपये तक की। तो आपको इनमें से कौन सी SUV कार ज़्यादा पसंद है? निक्सोन पसंद है, कैप्चर पसंद है, एस्क्रोस, WRV, EcoSport या बोलेरो, विटारा ब्रेजा, वेन्यू, XUV 300, TUV 300? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन 10 कारों में कौन सी कार ज़्यादा बेहतर है।